नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं, शुगर के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी समस्या है हम सभी के लिए आज की डेट में। तो आज इस बड़े टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्या चीज़ है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी इसका बाद में निकालेंगे। जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है वो ग्लूकोज, यानी कि शुगर। अब खाने की जो चीज़ें हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो सिंपल है, सिंपल वो चीज़ है जो किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, जैसे कि शुगर केन से शुगर, ठीक है, ईख से गुड़ बना लिया गया है, ठीक है, यानी कि रिफाइंड चीज़ें की गई हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब लेंगे तो वो दैट इज़ सिंपल, ठीक है। और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि होलसम है, ठीक है, उसे एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, वो पूर्णता है उसके अंदर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखें, जब हम जो सिंपल वाला खाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो है हमारे ब्लड में जाके ट्रेवल करता है, और एक साथ ज़्यादा मात्रा में ट्रेवल करता है, ठीक है। हमारे जो है ब्लड में शुगर 100 या मैक्सिमम 150 तक होना चाहिए शुगर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो जो है बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप देखते होंगे, मैंने भी खुद भी कई बार अधिक मात्रा में शक्कर खा के देखा है, पूरी बॉडी मतलब कि हिलने लगती है, मतलब ब्लड में इस तरह से इतनी बुरी तरह से वो ट्रेवल करता है, और साफ साफ पता चलता है कि यस, मतलब शुगर जो है बढ़ी हुई, हालांकि मुझे डायबिटीज की समस्या नहीं है। सो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा शक्कर जब इसमें हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है तो जो है हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है उसको डैमेज करता है। अब दूसरे की बात करते हैं, जो कि होलसम जैसे चीज़ें खाते हैं तो इतने जल्दी तो नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे जो है बॉडी में रिलीज होता है। तो इस तरह से ये दो तरह की चीज़ें हैं जिन्हें हमने समझ लिया कि खाने पीने की दो तरह की चीज़ें किस प्रकार से शुगर को बढ़ाती है। अगर आप सिंपल वाला खाएंगे जिसे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है तो ओबेसी बात है दिक्कत होगी, और अगर आप जो है होलसम वाली चीज़ें खाएंगे तो ब्लड में एट ए टाइम एक टाइम पे कम शुगर रिलीज होगा। सो अब ये तो रही जी खाने पीने की बातें, इसमें जो है आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो है इन्वॉल्व हैं उनकी बात करते हैं। इनमें दो बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक पैनक्रियाज है और दूसरा लीवर। देखिए पैनक्रियाज का क्या काम है, पैनक्रियाज के अंदर दो किडनी बीन्स, यानी कि आप आलमंड लगा लो, है ना, बादाम होते हैं बादाम के आकार के, दो टाइप के दो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं, बीटा सेल्स बोलते हैं उनको, उनका काम है संदेश पहुंचाना, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं और जो है जब ब्लड में एक्सेस शुगर होता है तब इनका काम शुरू होता है, इन बीटा सेल्स का, ठीक है। बीटा सेल्स आगे संदेश देते हैं इंसुलिन को कि भाई जितना भी एक्सेस शुगर है ब्लड में वो जो है वहाँ से फौरन निकाल के उसको ले जाके लीवर में जमा कर दो, ठीक है। तो ये तो जो है इसका काम रहा पैन। तो एक्सेस ग्लूकोज को लीवर में जमा करवाने का काम है पैनक्रियाज का, ठीक है। पैनक्रियाज, बीटा सेल्स एंड इंसुलिन, ये सारी तीनों एक ही इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, उसी ऑर्गन्स में से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हमारा ये पैनक्रियाज का जो बॉडी पार्ट है अगर बेहतर काम कर रहा है
जितना भी एक्सेस शुगर है वो ले जाके जो है वो लीवर में जमा कर देगा। अब एक्सेस शुगर का को मैनेज करने का काम तो पैनक्रियाज के पास है, ठीक है, पैनक्रियाज, बीटा सेल्स एंड इंसुलिन के पास है। अब अगर शुगर आपकी कम हो जाए, ब्लड में शुगर कम हो जाए, मान लो आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको शुगर, आप खाना खा ही नहीं रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? शुगर कहाँ से मिलेगा? ब्लड में तो शुगर चाहिए, 100 मेंटेन करके रखेगा बॉडी जहाँ मर्जी से करे, ठीक है, आप खाना खाओ नहीं खाओ लेकिन बॉडी जो है मेंटेन करेगी। तो इसके लिए भगवान ने हमारे बॉडी के अंदर ही बहुत सारे बॉडी पार्ट्स फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है लीवर। लीवर के पास जो है आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए जो है जमा होता है वहाँ पे जो है ग्लूकोज, ठीक है। तो जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो वहीं से शुगर रिलीज़ होती है, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे लीवर का ही शुगर जो है रिलीज़ होगा। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें ईश्वर ने दी है हमें स्टोर करने के लिए शुगर, वो है फैट के रूप में जमा होता है, ठीक है, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। इस प्रकार से जब आप फास्टिंग करेंगे, ठीक है, खाना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज नहीं डालेंगे बॉडी में, तो सबसे पहले नंबर पे तो लीवर में जमा हुआ जो है शुगर यूज़ होगा, ठीक है। जब लीवर का भी ख़त्म हो जाएगा, मान लो आप 22-24 घंटे से ऊपर फास्टिंग करते हैं और लीवर का भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, शुगर की एक लिमिटेड मात्रा में ही लीवर में जमा होता है, अगला जो है आपकी बॉडी जो शुगर प्राप्त करेगी, ठीक है, वो फैट से प्राप्त करेगी, ठीक है, आपके फैट को तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर करके जो है आपको इसमें जो है रिलीज करता रहेगा शुगर, ग्लूकोज। तो इस तरह से अब मान लो आपकी बॉडी में फैट बहुत कम है, ठीक है, या ज़्यादा है, जो भी है, बहुत लंबी फास्टिंग कर लिया आपने, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है, लंबी फास्टिंग कर लिया और आपकी बॉडी से सारा फैट यूज़ हो गया, ठीक है, आप मरेंगे नहीं, मान लो बाय द वे इन केस अगर आप करते भी हैं ऐसा, ठीक है। लोगों ने तो बहुत लंबी लंबी फास्टिंग की हुई है, ठीक है, आप जूसेस भी फास्टिंग कर सकते हैं, खैर आगे मैं अभी बताऊंगा आगे कैसे कैसे आपको ये जो है डाइट कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी से फैट भी ख़त्म हो जाए, सबसे लास्ट में प्रोटीन यूज़ होता है जब आप फास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारा वर्क करता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से जो है ग्लूकोज और उससे रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे काम करते हैं। अब आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि सही सॉल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बात आप यकीन रखना मेरी बात पे कि भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसका एक एक बॉडी पार्ट दोबारा रिपेयर हो जाता है, ठीक है। मैं खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम से निकला हूँ, जो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो कि सारा उल्टा ही हो गया। और अब मैं जब ये डाइट करके पूरी तरह से फिट हो गया हूँ और लोगों को बता रहा हूँ, इतने सारे लोग कर रहे हैं और वो लोग भी जो है स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो है जो डॉक्टर्स लोग हैं वो बेसिकली बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई कि जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है डिजीजेस ठीक नहीं होती, क्योर नहीं होती, रादर पूरा जीवन उसके लिए गोलियां हमें खानी पड़ती हैं। हाँ, तो फिर यहाँ से हम डाइट की बात करते हैं, इसको क्या डाइट हमें करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप ब्लड में एक्सेस शुगर जाने ही मत दो। वो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, आपको बीटा सेल्स पैनक्रियाज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप कच्ची सब्जियां खाना शुरू कर दें, आपकी डायबिटीज़ वहीं ख़त्म, आपके पेट में इंजेक्शन लगना बंद, पूरा दिन अगर 24/7 आप खुद करके देख लो। लेकिन हाँ, एक बात आप इसमें याद रखना कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो आपका शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा, या उस दिन आप मेडिसिन ना लें, ठीक है।
आई थिंक नहीं लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, उस दिन। तो इस तरह से जो है आप इस तरह का भोजन अगर आप करेंगे पूरा दिन, कच्चा कच्चा खाएंगे, ठीक है, सब्जियों का सलाद फुल डे, आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। एक चीज़ और आप इसमें शामिल करें, हरी पत्तियों का जूस। हरी पत्तियां आपको ज़रूर खाना है। अभी हमारे यहाँ भारत में हरी पत्तियां सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, स्पिनच, पालक। भाई साहब जो पालक है वो पूरी तरह से ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और हमारी इतनी बॉडी पार्ट्स उनको रिपेयर भी करता है। और जो है जब आप पालक खाएंगे पिएंगे तो आपको एनर्जी तो देगा ही देगा, साथ ही आपको किसी जो है आपके ब्लड में जो है एक्सेस शुगर नहीं रहेगा और आपको किसी इंसुलिन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये तो रहा इसका सॉल्यूशन जी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारी जो बनी है ग्लूकोज की, ठीक है, हमने बॉडी को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड चीज़ें खाई हैं, चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर करके हमने खाया है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हुए, हमारे इंसुलिन अपना पैनक्रियाज डैमेज हुआ है, ठीक है, हमारा लीवर डैमेज हुआ है, इस वजह से जो है ये हमारा शुगर का कॉम्प्लिकेशन हुआ है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है प्रकृति से जुड़ जाना है, ईश्वर के साथ जुड़ जाना है, ठीक है, प्राकृतिक भोजन करना है, होलसम भोजन करना है, ठीक है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो रिफाइंड चीज़ें बना रही है, ठीक है, इसको नहीं खाना है आपको, ठीक है, जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसको उसके वास्तविक रूप से निकाल लिया गया है, जैसे सिंपल सा उदाहरण मैंने दे दिया ना कि गन्ने से उसको निकाल के उसको गुड़ बना दिया गया है, ठीक है, अब ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिस्किट बना दे रहे हैं, नमकीन बना दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जी, बहुत मतलब कि अब ये ले लो जैसे कि उसका आटा बना दे रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, गेहूँ का आटा बना दे रहे हैं, ठीक है, तो और आटा बना के फिर उसका चोकर निकाल दे रहे हैं, सब रिफाइंड चीज़ें हैं, ठीक है, आप सोचेंगे कि गेहूँ का आटा बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, रिफाइंड है, खाना ही है, तो एक टाइम रात को मिलेट्स खाओ, ठीक है, वो पूरा होलसम है, उसमें से कुछ भी नहीं निकाला गया, ठीक है, अब गेहूँ में से तो उसमें तो चोकर भी निकाल लेते हैं, हैं, गेहूँ पीसने के बाद चोकर निकाले तो होलसम कहाँ से रहा, होलसम नहीं रहा वो, फिर वो रिफाइंड हो गया है, ठीक है, आप उसको खाएंगे तो आपका शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको फुल डे जो है कच्चा डाइट करना है, ठीक है, पूरा दिन सैलेड खाना है, और जो है पालक का जूस ज़रूर पीना है, और जो है पालक खाना भी है, और अगर इसमें जो है अगर आप कुक्ड फूड खाना चाहते हैं तो रात को एक टाइम पे मिलेट्स खा सकते हैं, पांचों प्रकार के मिलेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और कॉन्स्टिपेटेड हैं तो एनीमा ज़रूर करें, 10 से 15 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसमें जो है कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिपेशन से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, जब शरीर में ज़्यादा गंदगी जमती है तो हमारे जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं, तो आपको मिनिमम 10 से 15 दिन जो है एनीमा ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, उम्मीद करता हूँ मैं डायबिटीज़ के संदर्भ में आपको काफ़ी जानकारी दे पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।